केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर समूचे भारत में बीजेपी की तरफ से 1 से 30 जून तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। इसको लेकर मुरादाबाद में भी दिल्ली रोड स्थित एक होटल में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस मौके पर टिफिन भोजन कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें सभी नेता अपने अपने घरों से टिफिन लेकर पहुंचे थे, जहां सभी ने एक दूसरे के साथ भोजन कर एकजुटता का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि 1 से 30 जून तक के इस कार्यक्रम में उन्हें घर घर जाकर अपनी पार्टी की नीतियों को बताने का काम करना है, साथ ही ऐसे लोगों को बीजेपी से जोड़ना है जो अब तक उनकी पार्टी के सदस्य नहीं है। वहीं जो एक साथ बैठकर भोजन करने का कार्यक्रम है, उसे हर महीने में एक बार अवश्य किया जाएगा, जिससे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसको लेकर नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते पूरे भारत में 1 जून से 30 जून तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी श्रृंखला में आज वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और टिफिन भोजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों से भोजन लेकर आए हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया है। उनके शिष्यों में नमन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम देश के संगठन के नेतृत्व की तरफ से मोदी जी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं महानगर के सम्मानित अध्यक्ष और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम द्वारा ये आयोजित किया गया है, जिसमें मुरादाबाद के जो वरिष्ठ जन हैं, जैसा कि ऊपर से आया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व पदाधिकारी हैं, सीनियर अपने पदाधिकारी हैं, उनको आज भोज का आमंत्रित करना है, तो आज उनको यहाँ आमंत्रित किया गया। उनके साथ ही साथ तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है। तो इस भव्य आयोजन के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को और हमारी टीम है भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय गुरु जी ने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ रखे हैं और उनके सुझावों पे हम लोगों को और यदि ध्यान रखा जाएगा। आज तो कार्यक्रम वरिष्ठ जनों का था, जो पार्टी पदाधिकारी थे उनको आमंत्रित करने का था, लेकिन उनके साथ साथ और अन्य वरिष्ठ जनों को जोड़ा जाएगा। जो गुरु जी का प्रस्ताव है, सुझाव है, तो बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि गुरु जी ने कहा कि जो हम लोग भोजन लेके आए, मैं देख रहा था कि कुछ लोग अपने टिफिन का ही खा रहे थे। जैसा कहा कि सह भोज है, अपना भोजन दूसरों को खिलाएं, उनका भोजन स्वयं खाएं। तो इस तरीके से यदि हम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।